और दोस्तों आज हमारे पास है ऐसा एक स्मार्टफोन अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन के लिए जिसके लिए सभी लोग रुके हुए हैं। पिछले 2 महीनों से सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन सब जगह पे यही पूछ रहे हैं कब लॉन्च होने वाला है, एंड फाइनली इट इज कम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रेडमी नोट 8 प्रो की। बड़ा बॉक्स आया हुआ है, साथ में इसका इन्विटेशन भी है। क्विकली देख लेते हैं इन्विटेशन क्या है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, पजल है। एक 8 लिखा हुआ है, आपको तो पता है ये वाला गेम। जी हाँ, तो ठीक ठाक ही है मैं कहूंगा, अच्छा इनविटेशन है, अलग है, थोड़ा यूनिक है, बट द मेन थिंग इज दिस बिग बॉक्स। मैं एक्साइटेड हूं और क्यूरियस भी हूं कि इस बॉक्स में क्या है। सब कुछ दिखाएंगे दोस्तों आपको, एंड पूरा फर्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग तो करने ही वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए। रेडमी नोट 8 प्रो, यस, खोलेंगे इसे दोस्तों, एंड लेट्स सी। ऑल राइट, दिस इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओ हो एंड चेक दिस आउट, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ओके, बहुत ही अलग है, एंड दिस इज द बॉक्स एंड दिस इज द फोन। रखेंगे इसे साइड में, सब कुछ दिखाएंगे। और भी कुछ है, मैक्रो फोटोग्राफी टूल्स, व्हाट इज दिस। ओ हो हो, अच्छा छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं जिसकी वजह से हम टेस्ट कर सकते हैं, आपको दिखाएंगे फोटो निकाल के। इसे निकालते हैं, मैक्रो फोटोग्राफी के लिए सब माइक्रो है इसके अंदर। ये देखिए, प्लेट ऑफ फूड नहीं, ये जो है ये है कुकीज, एंड ऑलराइट इसका भी फोटो निकाल के आपको दिखाएंगे। ये देखिए छोटी सी कैची दिख रही है। ऑलराइट, लेट्स कीप दिस, हो गया बहुत। और कुछ है? नहीं है और कुछ नहीं है। टाइम टू कीप द बॉक्स अवे। जी हाँ, बॉक्स की अभी जरूरत नहीं है, ये भी जब कैमरा के पास पहुंचेंगे तो दिखाएंगे आपको। लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड एंड देखते हैं फोन की तरफ। वैसे बॉक्स के अंदर फोन नहीं है, लेकिन बॉक्स के अंदर क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। चलिए बॉक्स खोलते हैं, फोन तो साइड में है ही, ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स हो चुका है। रेडमी नोट 8 प्रो, यस, एंड 64 MP AI क्वाड कैमरा। लेट्स ओपन द बॉक्स, एंड बॉक्स में फोन तो इधर है, केस एंड डॉक्यूमेंटेशन, USB Type C केबल एंड चार्जर। आई होप इट इज नॉट 10 वैट जैसे हमेशा नोट सीरीज में होता है। इट इज 18 वैट का चार्जर, फास्ट चार्जर है इसका मतलब। चलिए दोस्तों रखते हैं सब कुछ साइड में, एंड जो फोन है उसके पास देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, फेमिलियर कलर है ये, आजकल बहुत सारे फोन्स में ऐसे आता है, जब लाइट वगैरह गिरता है तो पिंक दिखता है, ब्लूइश दिखता है। इट फील्स बिग इन हैंड दोस्तों, हाथ में सही में बड़ा लगता है। इसमें बड़ी स्क्रीन भी है, जनरली 6.3 इंच की स्क्रीन हुआ करती थी नोट 7 में, नोट 7 प्रो में अभी भी है, लेकिन इसके अंदर जो है वो 6.53 इंच की है। दैट मीन्स इट्स अ बिग स्क्रीन फोन। केस डाल के देखते हैं, अच्छी केस जो है दोस्तों, जनरली अगेन इतनी खास नहीं होती है क्वालिटी में, इसकी जो केस है ये भी अच्छी है इस टाइम। एंड जी हाँ, ऊपर आता है तो ऐसे गिरेगा तो आपका जो डिस्प्ले है वो रहेगा, टूटेगा नहीं। दोस्तों अगर पीछे की तरफ आप देखते हो तो क्लियरली आपको दिखता है 4 कैमरास, क्वाड कैमरास दिखते हैं, लेकिन इधर नहीं है दोस्तों, एक साइड में है छोटा सा, ये देखिए, एंड देन यू हैव 3 कैमरास हियर, एंड इधर जो है ये है फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड दैट थोड़ा अलग है क्योंकि जो इंडेंट है ऊपर आया हुआ है उसके अंदर है। तो आई डोंट नो, अगर आप कैमरा के ऊपर डालते हो या फिर इधर, जब हम फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट करेंगे तो जरूर आपको बताएंगे, बट थोड़ा ऑड जगह है इतना मैं जरूर कहूंगा। और दोस्तों एक बात बता दूं आपको, ये जो फ्रेम आपको दिख रही है वो लगती है स्टील जैसे, बट है प्लास्टिक की, इट इज नॉट मेटल। देखते हैं पोर्ट्स की तरफ, 3.5 mm जैक, USB Type-C, माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल, और राइट हैंड साइड आपको मिलेगा ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर, ऊपर की तरफ आपको मिलता है नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन एंड IR ब्लास्टर। अच्छी बात है, IR ब्लास्टर है इसमें। एंड राइट हैंड साइड में दोस्तों 2 ट्रेस दिख रहे हैं, खोल के दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन 2 ट्रेस है, शायद एक SD कार्ड का है और दूसरा जो है वो सिम कार्ड का है। दोस्तों देखते हैं ये जो 2 ट्रेस हैं किस चीज के हैं। ये है
ओके, दिस लुक्स लाइक अ हाइब्रिड स्लॉट, मतलब इसके अंदर एक नैनो सिम कार्ड जाएगा एंड एसडी कार्ड जाएगा, एंड द सेकेंड वन इज एंड वन सिंगल नैनो सिम कार्ड, ये देखिए। और दोस्तों अगर फोन के वेट की बात करते हैं, इन हैंड फील जो है मैं कहूंगा ठीक ठाक है, बड़े हैंड है तो यू विल फील राइट एट होम, छोटे हाथ होंगे तो थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, एंड वेट भी इट शुड बी अराउंड 200 ग्राम्स। देखते हैं, थोड़ा वजनदार जरूर है बड़े स्क्रीन और बड़े बैटरी की वजह से, लेट्स फाइंड आउट। 200 ग्राम्स, 201 ग्राम्स, ओके आई एम वेरी वेरी क्लोज। सो 200 ग्राम का ये फोन है। चलिए दोस्तों, हो गया है फोन चालू, एंड लेट मी टॉक अबाउट डिस्प्ले। जी हाँ, अच्छा डिस्प्ले, बड़ा डिस्प्ले लग रहा है। ऊपर वाटर ड्रॉप नॉच है जो मैं कहूंगा एवरेज साइज की है, लेकिन एक चीज जरूर है, चिन जो है दोस्तों इसका वो छोटा है। अगर आप कंपेयर करोगे नोट 7 प्रो के साथ तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में भी, ये देखिए। उतना ही नहीं दोस्तों, अगर 7 प्रो के साथ कंपेयर करते हो तो साइज में भी आपको बहुत बड़ा मिलेगा। इनफैक्ट नोट 8 प्रो का जो डिस्प्ले साइज है वो है 6.53 इंच, एज अगेंस्ट 6.3 इन नोट 7 प्रो। तो हर हिसाब से डिस्प्ले बड़ा भी है, बेजल्स पतले भी है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91.4% है, विच आई थिंक मेक्स दिस डिस्प्ले रियली गुड। दोस्तों एक चीज जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इट्स अ नॉर्मल आईपीएस डिस्प्ले। दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसमें आता है नहीं आता है क्वालकॉम का, इसमें मीडियाटेक हीलियो G90T प्रोसेसर आता है, विच इज स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज्ड फॉर गेमर्स। जी हाँ, बहुत टच लेटेंसी वगैरह जो है बहुत जबरदस्त है, इट इज वेरी वेरी फास्ट, एंड वी विल डू गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, बट बहुत स्नैपी लगा अभी तक जितना भी मैंने इसे इस्तेमाल किया, G90T रियली वर्क्स वेल। हमारे पास जो वेरियंट है वो है 8GB 128GB, साथ में दोस्तों 4500 mAh की बैटरी है, एंड इट कम्स विद 18W फास्ट चार्जिंग। दोस्तों अगर OS की बात करते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको MIUI 10 मिलेगा, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 9.0, बट वरी नॉट, बहुत ही जल्दी आपको इसके ऊपर MIUI 11 मिलेगा, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10.0। इनफैक्ट लॉन्च इवेंट में MIUI 11 अनाउंस हुआ था, इसी के लॉन्च इवेंट में, और बहुत सारे लोग अब एंड्रॉइड 10 बीटा टेस्टिंग भी कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, MIUI 10 के बारे में ऑब्वियसली आपके मन में सवाल है, एड्स हैं या नहीं। मैं जितना भी टाइम इस्तेमाल किया, सेटअप वगैरह किया, मुझे कोई एड्स नहीं दिखे, नाउ दैट इज अ गुड थिंग। और हाँ दोस्तों, OS के अंदर आपका गेम बूस्ट मिलता है, सिस्टम वाइड डार्क मोड है, सो दैट इज नाइस। और वैसे भी MIUI 11 का गुडनेस आ रहा है, तो उसमें भी और फीचर्स आपको जरूर मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं सेंसर्स के बारे में, सभी सेंसर्स आते हैं और बहुत सारे Redmi फोन्स में जैसे आता है, इसमें IR ब्लास्टर भी है, लेकिन NFC नहीं है। चाइना के वेरिएंट में NFC आता था, वी डोंट हैव NFC हियर इन इंडिया। लेकिन दोस्तों एक बात देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, नोटिफिकेशन लाइट है इसमें, पतले बेजल्स हैं, छोटी सी नोटिफिकेशन लाइट है जरूर। और दोस्तों सेंसर्स के बारे में बता दूं आपको, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है इसमें, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, साथ में फेस अनलॉक भी है। चलिए करते हैं टेस्ट, लेट्स फाइंड आउट कितने अच्छी तरह से काम करते हैं। कर दिया है सेटअप फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड लेट्स डू इट। वो दैट इज सुपर फास्ट, सीरियसली कह रहा हूं। जी हाँ, जैसे मैंने बताया आपको, जो पोजीशन है थोड़ी अलग है, यू विल हैव टू गेट यूज टू इट, मतलब थोड़ा यूज टू होने के लिए टाइम लगेगा, कभी कभी आप गलती से वो जो सेंसर है कैमरा का उसके ऊपर भी रख सकते हो, बट एक बार आदत हो गई देन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेट्स टेस्ट फेस अनलॉक, चलिए करते हैं। नाइस, वेरी नाइस, वेरी फास्ट एज वेल। तो दोनों भी दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक वर्क रियली वेल। G90T सही में अच्छा है, ऐसे लग तो रहा है, बहुत स्नैपी लग रहा है फोन। दोस्तों अगर वीडियो की बात करते हैं, आई एम इम्प्रेस्ड। जी हाँ, एमोलेड स्क्रीन नहीं है, लेकिन कलर्स वगैरह मुझे बहुत अच्छे दिखे, पंची दिखे, और जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, जो अगेन फर्स्ट इंप्रेशन है, लेकिन जितना देर मैंने देखा मुझे बहुत पसंद आया, वीडियो देखने में सही में मजा आया, स्पेशली 6.53 इंच की स्क्रीन है, एंड HDR का भी सपोर्ट है इसके अंदर, HDR10 का, विच मेक्स दिस स्क्रीन एंड वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस बिग थम्स अप। और अगर ऑडियो के मामले में बात करूं दोस्तों, तो मैं कहूंगा एवरेज ऑडियो वॉल्यूम है, लाउड होता तो अच्छा होता, लेकिन क्वालिटी जो है अच्छी लगी मुझे। दोस्तों अगर बाकी के फीचर्स की बात करते हैं, तो नियरली सब कुछ है, IR ब्लास्टर है, FM रेडियो है,
साथ में डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, नोटिफिकेशन लाइट है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है, इसका मतलब HD स्ट्रीमिंग कर पाओगे, कैमरा 2 API का सपोर्ट है आउट ऑफ द बॉक्स, यानी GCAM इंस्टॉल कर पाओगे, और हाँ Alexa बिल्ट इन है। जी हाँ, Alexa को आपको कुछ पूछना है, सवाल वगैरह, तो डायरेक्टली आपको होम स्क्रीन पे ही आपको आइकन मिलता है, उधर से आप कर पाओगे। सो नाइस। हाँ, P2i कोटिंग भी है दोस्तों, इसका मतलब स्प्लैश वगैरह पानी के गिर गए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डस्ट वगैरह नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। Let's talk about performance and one of the best performances, मतलब इस रेंज में आप मिड रेंज या प्रीमियम मिड रेंज में देखोगे, I will say its performance is really snappy। पहले भी मैंने बताया, क्योंकि मुझे समझ में आता है जब आप स्वाइप वगैरह करते हो तो जो स्नैपीनेस लगता है वो इस फोन में जरूर लगता है। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आप फोर्टनाइट हाईएस्ट सेटिंग पे खेल पाओगे। याद रखिए 710, 712 वगैरह जो है उसमें आप लो या मीडियम सेटिंग्स पे खेल पाते हो फोर्टनाइट, इसमें हाईएस्ट सेटिंग पे खेल पाओगे। हाईएस्ट सेटिंग पे भी हमने खेल के देखा एंड गेम प्ले वॉज प्रीटी स्मूथ। और अगर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में बोलूं, उसके ऊपर भी हाईएस्ट सेटिंग पे खेल पाओगे। पबजी भी आप HDR सेटिंग्स पे खेल पाओगे। और परफॉर्मेंस क्यों इतना अच्छा है, और एक छोटा सा रीजन है, स्टोरेज टाइप जो है वो UFS 2.1 है। सो परफॉर्मेंस के मामले में आई थिंक दिस फोन इज रियली फ्लॉलेस। और हां दोस्तों, अंतुतु स्कोर की अगर बात करते हैं तो दिस वन गोज बियॉन्ड 220। जी हाँ, 220,000 के ऊपर अंतुतु स्कोर आता है, विच आई थिंक इज रियली गुड। लेकिन दोस्तों, ये जो है फर्स्ट इंप्रेशंस है एंड दे आर नॉट ऑलवेज राइट। हमें एक्सटेंसिवली इसका टेस्ट करना होगा परफॉर्मेंस। इनफैक्ट हम वीडियो करने वाले हैं सिर्फ परफॉर्मेंस पे, गेमिंग परफॉर्मेंस पे, टच लेटेंसी पे, ये सब कुछ आपको बताएंगे, उस वीडियो के लिए जरूर रुकिएगा। वैसे दोस्तों, अगर ये अनबॉक्सिंग आपको अच्छा लग रहा है लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैमरा के बारे में, क्योंकि ये भी एक बड़ा USP है, 64 मेगापिक्सल बिग। जी हाँ, जो क्वाड कैमरास आते हैं उसमें प्राइमरी सेंसर जो है पीछे की तरफ वो आता है 64 मेगापिक्सल का, सैमसंग का सेंसर है। साथ में अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का आता है, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आता है, और जो साइड में आपको दिख रहा है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। और दोस्तों, अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात करते हैं तो 20 मेगापिक्सल का F1.9 का सेल्फी कैमरा है। ओवरऑल कैमरा के स्पेसिफिकेशंस आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं कुछ फोटोज दिखा रहा हूं दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर, जरूर देखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसे लगा। वैसे दोस्तों, जरूर बताइएगा क्या हमने इसका डिटेल कैमरा रिव्यू करना चाहिए, उसका वीडियो, डू टेल अस इन कमेंट्स। तो फाइनली, व्हाट आर द फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ दिस फोन? दोस्तों, मुझे ये फोन अच्छा लगा। जी हाँ, मैंने चाइनीज वेरिएंट जब लॉन्च हुआ था तभी हम चाइना में थे, तभी भी इसे यूज किया है, और अभी भी इंडियन वेरिएंट जो है इसे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड आई लाइक दिस फोन सीरियसली। कैमरा भी अच्छा है, स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं, स्क्रीन ठीक ठाक है, एमोलेड होती तो ठीक होता, बट आई विल नॉट मिस इट, यू विल नॉट मिस इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी प्राइस क्या है। चाइना में बहुत एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च हुआ है दोस्तों, 15,000 के नीचे, 14,000 या 15,000 का बेस वेरिएंट है। और अगर इधर इंडिया में इसका जो बेस वेरिएंट 6GB 64GB है वो अगर 16 के करीब आता है, दिस इज गोइंग टू बी अ कंपेलिंग फोन। जी हाँ, मिड रेंज में मुझे लगता है वन ऑफ द टॉप 3 डेफिनेटली हो सकता है। साथ में 8GB 128GB जो है इसकी प्राइस अगर 19-20 तक आती है, आई थिंक इट्स वेरी गुड। स्पेशली वो जो G90T प्रोसेसर है, दैट गिव्स यू टॉप नॉच परफॉर्मेंस। वैसे दोस्तों, डिटेल्ड कैमरा रिव्यू, डिटेल्ड फोन रिव्यू, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू बहुत ही जल्दी आ रहा है इसी चैनल पे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।